नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर आप करियर करना चाहते हैं, एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको स्टार्ट करना पड़ता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सक्सेसफुल बनने के लिए क्या जरूरी है? वो टारगेट करना जरूरी है, इंसेंटिव कमाना जरूरी है। तो ये चीज़ें कब होती है? जब आप आपके कस्टमर को कन्वर्ट करते हो, वहाँ से सेल जनरेट होता है। तो आपका मेन कस्टमर कौन है? केमिस्ट, होलसेलर? नहीं, आपका मेन कस्टमर है डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा तब वो आएगी केमिस्ट के पास, और केमिस्ट जब ऑर्डर करेगा तो होलसेलर से वो स्टॉक लिक्विडेट होगा रिटेलर के पास। तो ऐसा फ्लो रहता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा फोकस देना पड़ता है। और डॉक्टर कन्वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कौन सा वेपन है? तो वो है विजुअल एड। डिटेलिंग करनी पड़ती है आपको उस विजुअल एड से। अब डिटेलिंग मतलब क्या? आपको आपके प्रोडक्ट को डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करना है। सिर्फ प्रेजेंट करना है क्या, जो लिखा है वो पढ़ के बताना है? नहीं, उसको समझना भी है। तो इसके लिए डिटेलिंग जब जितनी आपकी स्ट्रांग होती है ना, उतना फास्ट डॉक्टर कन्वर्जन होता है। कभी भी आप देखिए, आपके सीनियर जो मैनेजर लेवल पे हो, या रीजनल मैनेजर हो, या नेशनल सेल्स मैनेजर भी हो, डिटेलिंग इतनी स्ट्रांग होती है उनकी, कभी भी पूछिए कौन सा भी पॉइंट हो, परफेक्ट बता देंगे डिटेलिंग कैसी है। जब डिटेलिंग पे आपका कॉन्फिडेंस होना, तो डॉक्टर चैम्बर में ना आपका कॉन्फिडेंस भर भर के होगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, ये आपको मालूम है। तो इसके बाद आप फोकस कर सकते हैं AFTB पे, या इसके बाद आप सैम्पलिंग पे फोकस कर सकते हैं। इसके बाद आप जब गिफ्ट वगैरह कुछ देना है तो उस पर फोकस कर सकते हैं। बट डिटेलिंग ये स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी ये बाकी की चीज़ें सेकेंडरी है, डिटेलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो सारे फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस लोगों के लिए, जो आपको सीखने को डेफिनेटली मिलेगा कि डिटेलिंग इफेक्टिवली कैसे होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिटेलिंग गाइड में क्या क्या रहता है एक्चुअली? तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेलिंग गाइड में रहेगा, तो वो कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी का मोटो रहेगा, इसके बाद टैगलाइन रहेगी कोई भी प्रोडक्ट की, ढेर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। डिटेलिंग के लिए स्टार्ट करते हो ना, तो तीन पार्ट में डिटेलिंग डिवाइड होती है। पहला तो इंट्रोडक्शन, आपका खुद का इंट्रोडक्शन, इसके बाद मेन जो डिटेलिंग होती है वो रहेगी, और उसके बाद AFTB। अब पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि आपका नाम बताना है, कंपनी का नाम बताना है। इससे पहले जो फॉर्मेलिटी होती है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर, सो ये चीज़ें जनरली आपका इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन रहेगा, और उसके बाद कंपनी की डिटेलिंग। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, ठीक है, आपकी विजुअल एड में, तो वो कौन से फोकस करने वो डिसाइड करता है आपका RCP, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, जहाँ से आप एक डॉक्टर को कम से कम 3 या 4 ब्रांड फोकस करोगे और 2 या 3 ब्रांड्स का फॉलोअप ले लोगे। तो जब आप डिटेलिंग करते हैं, तो डिटेलिंग करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आप AFTB करते हैं, तो AFTB के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगी जो फॉलोअप ब्रांड्स है उसके लिए थैंक यू बोलना, थैंक्स फॉर प्रिस्क्राइबिंग दिस ब्रांड एंड कीप प्रिस्क्राइबिंग, दैट्स इट। तो ये एक सिंपल टिप्स है, 3 पार्ट में डिटेलिंग डिवाइड है, तो हर एक पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से प्ले करना है, ओके, सो दैट योर डिटेलिंग विल बी मोर इफेक्टिव। तो अब बात करते हैं मेन डिटेलिंग की। तो डिटेलिंग कैसे करते हैं? तो ये है फोल्डर मेरा, इपका कंपनी का है। तो कैसे करेंगे? हेलो सर, माई सेल्फ अमित माने, आई एम फ्रॉम इपका, अ डोज ऑफ लाइफ, सो आई वॉन्ट टू प्रेजेंट सम ऑफ माई प्रोडक्ट, सो दैट इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट, डोंट टेक चांस विथ फीवर, अ फीवर कैन बी अ मलेरिया, सो डॉक्टर प्लीज प्रिस्क्राइब Lumerax 80। Lumerax 80 कंटेंस आर्टीमीटर 80 mg एंड लुमेफेंट्राइन 480 mg। Lumerax 80 द रिलायबल मलेरिया ट्रीटमेंट। Lumerax 80 एंश्योर्स ACPR ऑफ 100% एट day 42। Lumerax 80 हाईली इफेक्टिव इन वाइड स्प्रेड एंटी मलेरिया रेजिस्टेंस केसेस। आई एम हैप्पी टू शेयर यू दैट हियर इज सम यूनिक सेलिंग पॉइंट रिलेटेड टू माई Lumerax 80। आर्टेमीथर प्लस लुमेफेंट्राइन इज ए सुपेरियर चॉइस ओवर आर्टेरोलेट प्लस पिपराक्विन। हियर ग्राफ रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग। लुमेफेंट्राइन एम्पावर्स आर्टेमीथर वाइल पिपराक्विन अ वीक पार्टनर ऑफ आर्टेरोलेंस। अल्सो लुमेफेंट्राइन हैज नेवर यूज्ड एज इन द मोनोथेरेपी बट पिपराक्विन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पास्ट एज अ मोनोथेरेपी। अल्सो पिपराक्विन इज स्ट्रक्चरली
related to the chloroquine. While lumefantrine has no chance of resistance, and in case of the piperaquine, it is high chances of resistance and treatment failure. So here is a unique selling point. So doctor, the dosage related to Lumerax 80 is 1 tablet BID for 3 days with food or milk, and on day one, 2 doses to be given 8 hours apart, and on the day two, at second and third, 12 hours apart, morning and evening. सो दिस इज माई लुमेरेक्स 80. इसमें मैं आपको किस तरीके से मैंने डिटेलिंग किया ये मैं बताता हूँ. पहले तो ये पॉइंट लिया, ये डायरेक्टली यहाँ पे आपको आप देख रहे हैं कि एक पॉइंटर है ना, वो यहाँ पर रखना है, ऐसा घुमाना नहीं है, राइट. तो ये लाइन होने के बाद ये लाइन टू लाइन जाना है, ओके. और कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट होती है तो ये यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो हर एक पॉइंट आपको एज इंडिकेटेड इन द डिटेलिंग गाइड वैसे ही बतानी है. उसके बाद नेक्स्ट आती है AFTB, ask for the business. अब lumefantrine और altimeter, ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो डॉक्टर कितना लिखता था. मान लो lumefantrine altimeter का एक ब्रांड डॉक्टर 5 strip पर डे लिखता है, दूसरा ब्रांड 3 strip पर डे ऐसा लिखता है. तो मुझे एक नंबर को मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए मेरे ब्रांड का, तो मैं 5 strip पर डे मैं बोल सकता हूँ क्योंकि डॉक्टर का इतना पोटेंशियल है. तो मुझे क्या बोलना होगा, ये जब मैं मेन बॉडी यहाँ पे क्लियर करता हूँ, यहाँ पे जब डिटेलिंग क्लोज करता हूँ ना यहाँ पे, इसके बाद मैं पूछूंगा डॉक्टर से, सो डॉक्टर कैन आई एक्सपेक्ट माय लुमेरेक्स 80 प्रिस्क्रिप्शन 5 to 6 strip पर वीक फ्रॉम योर साइड. तो ऐसे पूछना है डॉक्टर से, इंट्रैक्शन होनी चाहिए. इसके लिए डॉक्टर से पूछना है AFTB, डॉक्टर बताएगा येस और नो, कैसे होगा क्या होगा, ये बात की डिस्कशन है. इसके बाद सैंपल देना है एंड देन आफ्टर कॉल क्लोज. इस तरीके से आपकी डिटेलिंग रहेगी. आई होप ये वीडियो में मैंने जो डिटेलिंग बताई उसी तरीके से आपकी डिटेलिंग पहले दिन से होनी चाहिए. डिटेलिंग के टिप्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं तो, बिकॉज बहुत सारी टिप्स है जो डिटेलिंग करने से पहले आपको ये ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है. तो ये तो था डिटेलिंग. अब डिटेलिंग अगर आपको सच में सीखना है तो हम लाइव सिखाते हैं आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन आवर फार्मा मार्केटिंग, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का मैं डिटेलिंग लेता हूं और वो प्रॉपर डिटेलिंग होती है. मैं वो 100% हम कोशिश करते हैं कि आपकी डिटेलिंग और इंप्रूव हो जाए, ओके. सो नॉट ओनली डिटेलिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू क्वेश्चन, केस टू केस क्वेश्चन भी अलग होते हैं, और जो हमारे फार्मा के क्वेश्चन है वो अलग, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी मैं हर एक इंडिविजुअल से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके लेता हूँ. सो अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए. तो इसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. बहुत कम दिन बचे, अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो यू कैन एनरोल राइट नाउ. सो इस वीडियो में इतना ही. वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी.